पवन सिंह का गाना रूप धूप में रिलीज कर दिया गया है। इसका ऑडियो रिलीज हुआ है और आपको बता दें ये गाना काफी मेलोडियस है, रोमांटिक नंबर है लेकिन बहुत ही सूदिंग है। जी हाँ, आज हम इस गाने के व्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर व्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम हमेशा अलग पक्ष ही आपको दिखाते हैं, क्योंकि व्यूज़ मात्र 3 घंटे में 70,000 ही हैं। जी हाँ, 3 घंटे में 70,000 का कहाँ, 3 घंटे में पवन सिंह के कई गाने कई लाखों में पहुँचते हैं। खैर, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है 3 घंटे में 70,000, क्योंकि गाना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी सूदिंग है। अभी 21 घंटे बाकी हैं, हो सकता है गाना बम्पर हिट हो जाए। लोगों को अभी, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि गाना इंटरटेन भोजपुरी पर रिलीज़ किया गया उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। खैर, आज हम गाने की पॉजिटिव बात इसलिए करेंगे क्योंकि गाना काफ़ी सूदिंग है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन ढंग से गाया भी गया है। जी हाँ, काफ़ी अच्छे अंदाज में ऐसा लग रहा है कि पवन एकदम रिलैक्स मूड में होकर ये गाना गा रहे हैं और काफ़ी रोमांटिक है। आप जब तक प्यार को फील नहीं करेंगे ये गाना आप गा नहीं सकते। तो खैर, पवन ने तो प्यार को कई बार फील किया है, तो इस गाने को पवन ने इस तरह से अपना चोला, अपना रंग पहनाया है। बहुत ही खूबसूरत गाना है, यकीन मानिए। यहाँ पर इस गाने को पसंद करने वालों में खेसारी के भी फैंस हैं, अक्षरा के भी फैंस हैं और बहुत सारे ऐसे फैंस हैं। ये अच्छा लगता है कि आप, अगर रिलीज़ होता है कोई अच्छा गाना तो आप उसे इतने बेहतरीन ढंग से रिस्पॉन्स करते हैं, भले ही व्यूज़ कम है तो क्या, लेकिन गाना जिसने भी सुना सभी कह उठे कि ये गाना पवन सिंह के अलावा भोजपुरी में इतना बेहतरीन ढंग से कोई नहीं गा सकता। गाना काफ़ी सूदिंग है और सुनने में भी अच्छे हैं, बोल काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन बोल हैं, बॉलीवुड टाइप के बोल हैं इसमें। आप जैसे बॉलीवुड के गाने सुनते हों जो रोमांटिक गाने हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और पहली बार पवन ने इस अंदाज में गाना गाया, इससे पहले पवन इस अंदाज में रोमांटिक गाना कभी गाए नहीं हैं, या फिर गाए हों तो वो गाने इतने हाईलाइट नहीं हुए। लेकिन हाँ, अब ये गाने की अगर बात करें तो काफ़ी सूदिंग नंबर है, काफ़ी सुनने में अच्छा लग रहा है। प्रकाश बारूद ने इस गाने को लिखा है, छोटे बाबा ने इसका म्यूज़िक दिया है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए, गाना सुनने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और कई बार सुनने का मन करेगा। ये बात भी देखिए, कई बार सुनने का मन करेगा। पहली बार घातक फिल्म में शहर अफसा के साथ नज़र आएंगे पवन सिंह और गाना आप जाकर एंटरटेन भोजपुरी पे सुन सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।